देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव होने हैं, ऐसे में इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। खुद राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपील कर चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों की पालना करने को लेकर अपील कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी खुद की पार्टी ही उनके निर्देशों की परवाह नहीं कर रही है। एक तो पंचायती राज के चुनाव, उस पर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका। बावजूद इसके भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव न सिर्फ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बल्कि खुद एक केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार ओहदे पर होने के बावजूद अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। एक तरफ जहां पंचायती राज चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव आयोग सख्ती से गाइडलाइंस की पालना करवा रहा है, वहीं इन क्षेत्रों में कोरोना के चलते रैलियों पर भी रोक लगी हुई है। लेकिन जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली, दूदू और शाहपुरा क्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी, जहां पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस तरह से सीधे तौर पर यह आचार संहिता का उल्लंघन भी है। वहीं अब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। उधर इसको लेकर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर तंज कसा है। लोढ़ा ने डीजीपी एमएल लाठर से इस मामले की शिकायत की। इस पर डीजीपी ने एडीजी को मामले में कार्रवाई करने को कहा है। वहीं लोढ़ा ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी इसकी जानकारी दी है। इसके बाद मुख्य सचिव ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस तरह एक बार फिर से केंद्र और गहलोत सरकार आमने सामने हो गई है।